आज फोकस में है संवर्धन मदरसन का भी शेयर। और सुमित, उन्होंने बल्क डील के जरिए कई सारे ट्रेड हुए और यहाँ पर अपनी 3.5% के आसपास का स्टेक ऑफलोड किया है, उसको बेच दिया है हिस्सा कंपनी में, और इसको बाजार नेगेटिवली ले रहा है क्योंकि प्रमोटर ग्रुप की तरफ से ये हमने सेलिंग होते हुए देखिए। बड़ा निवेशक है सुमित उमा, लेकिन अब 70 रुपये के नीचे है, 10% के आसपास की भारी गिरावट। ये गिरावट पर कॉन्ट्रा ट्रेड करना है इस पर रत्नेश जी, या फिर अभी इसको छोड़ दें, गिरावट थोड़ी उसी और खींच सकती है यहां से? मदरसन की बात कर रहे हैं अपन, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसने काफी बड़ा गैप डाउन दिया है। हालांकि ये ब्लॉक डील के कारण हुआ है और 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी इसने क्लोज दे दिया है, तो मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा सा अभी इसको कंसोलिडेशन में जाने दें। किसी के पास कोई पोजिशन है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि 63 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऊपर में कहीं पे भी एक बाउंस आता है 74-75 का, तो वहां पे उसमें से एग्जिट ले, पर अभी एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाने दें और 63 का स्टॉप लॉस बना बनाए इसके अंदर पुरानी पोजीशन पे। संवर्धन पर ये व्यू, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाजार काफी ज्यादा वोलेटाइल